हमजा शहबाज नैब और हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं नैब की तेजी के पीछे कुछ मुहरिकात हैं। डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा जाली डिग्री की करारदाद वापस ले लें, वो एक माह तक नहीं बुलाएंगे, हुकूमत से सेटलमेंट करें, हम मामला हल कर लेंगे। मजीद क्या कहा देखिए। डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जाली डिग्री का मामला चल रहा था, मुझे कहने लगे कि ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। और फिर एक महीने मुझे नोटिस नहीं आया। आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं और ये इस बात का भी हिसाब लें कि एक शख्स जिसने सरकारी हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा के सैर सपाटे किए, जो नैब को मतरूब है, जिसको नैब ने नोटिस दिया, वो नैब में पेश हुआ, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन के साथ मीटिंग करता है, ये भी तकाजा करूंगा आला अदलिया से। जिस तरह आज मेरी वालदा को, बीमार वालदा को नोटिस दिया गया, जिस तरह मरियम नवाज JIT में पेश होती रहीं, अलीमा खान साहिबा जो कि बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, उनसे उनकी जो फॉरेन एसेट्स हैं उनका हिसाब किताब होना चाहिए न्याजी साहब, फिर मानेंगे कि ये नया पाकिस्तान है। बंद लिफाफे में वो लहरा के कहती हैं कि मुझसे मत पूछो, कोर्ट से जाके पूछो।